वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, मेरा नाम है एमडी जानेल। आप देख रहे हैं एमडी भैया टेक चैनल। इस चैनल में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने मोबाइल में जो योनो एसबीआई का ऐप है उसे आप पहले ऐप जैसे डाउनलोड करेंगे किस तरह से आप उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें एक्टिव किस तरह से होंगे, उसे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करके फुल प्रोसेस कंप्लीट इसमें जानकारी देने वाले हैं उसका। चलिए तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप इस सेटिंग को तो अगर योनो पे को आप रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे कि किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन योनो पे में करते हैं उसके ऐप में। हम सबसे पहले दोस्तों ऐप को ओपन करेंगे। ऐप ओपन होते ही आपसे कुछ परमिशन मांगेगा। ये देखिए दोस्तों, अगर आप फर्स्ट बार ओपन कर रहे हैं तो आपको न्यू टू एसबीआई पे करना है। हमारा पहले से रजिस्टर्ड है तो हम एग्जिट एसबीआई कस्टमर पे क्लिक करेंगे। हमारे में एक ही सिम है, अगर आप में दो सिम होगा तो पूछेगा किस सिम से आप उसमें मतलब दिए हुए हैं बैंक में, उसी सिम को आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, 1 मिनट 10 सेकेंड का टाइम लेगा। इसके अंदर ये वेरीफिकेशन करा देगा सिस्टम से, वो उसके बैंक से वेरीफाई कराएगा कि हाँ उसके बैंक में आपका अकाउंट है या नहीं है। थोड़ा टाइम जब तक ये वेरीफाई कर रहा है तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, अब आ गया यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स डालने के लिए। हम यहाँ अपना अकाउंट डिटेल्स डालने के बाद तुरंत आपसे मिलते हैं। दोस्तों हम अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर लिए हैं, जो कि आप बैंक में जो डॉक्यूमेंट दिए थे वही डेट आप इस पर भरना है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम रजिस्टर्ड, प्रोसीड पे हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे अब हमारा लॉगिन आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड पूछ। दोस्तों हम यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और यूजर आईडी पासवर्ड डाल दें। डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों तो आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, जो कि अभी हमारे मोबाइल पे थोड़ी देर में आ जाएगा। देखिए दोस्तों ऊपर हमारे मोबाइल में ओटीपी आ चुका है, अभी आपको हम तुरंत दिखा रहे हैं ओटीपी। देखिए ओटीपी आ चुका है। ओटीपी आने के बाद दोस्तों हम ओटीपी को यहाँ से जो ओटीपी है उसे देखने के बाद दोस्तों सिंपली उसमें सही सही और इंटर ओटीपी वाले ऑप्शन के जगह पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे दोस्तों फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हमारे साथ आप फिल करते रहिए, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको टर्म्स एंड कंडीशन वाले एग्री करने के बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमको एम पिन सेट करना है, जो कि ऊपर और नीचे दोनों सेम एम पिन होना चाहिए। दोस्तों देखिए ऊपर हम जो एम पिन डाले हैं वही एम पिन हम नीचे भी डाल देंगे। एम पिन डालने के बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको एक इस तरह का मैसेज आएगा सक्सेसफुली का। आप देखिए दोस्तों ये लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन करने के लिए दोबारा अगर आप इसे लॉगिन करते हैं, देखिए दोस्तों लॉगिन हो गया। यहाँ पे व्यू बैलेंस भी दिखा रहा है, बैलेंस दिखा रहा है सब कुछ। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।